नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा हब में। दोस्तों, यदि आप भी WhatsApp चलाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खूबी ट्रिक मैं WhatsApp की आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक WhatsApp चलाने के लिए बहुत ही खुफिया ट्रिक है। जी दोस्तों, यदि आप अपना किसी पर्सन के साथ चैट सिक्योर रखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि अपना चैट किसी के भी साथ भी सिक्योर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले फ़ोन में सिक्योर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों, वो तो आप प्ले स्टोर से कर ही चुके होंगे। तो दोस्तों, जो मैं खूबिया ट्रिक लेके आया हूँ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस ट्रिक से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने और किसी और पर्सन के बीच में चैट को सिक्योर रख सकते हैं। दोस्तों, वह चैट आप और उसके अलावा कोई और भी नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप में जाना होगा। दोस्तों, मैं बता दूं, जैसा कि हम कोई भी चैट को ओपन करते हैं तो दोस्तों यहां पास आपको ये एक आइकॉन दिख रहा होगा। जी हां दोस्तों, यदि हम इस आइकॉन को ओपन करते हैं तो फिर हम यहां से देख पाएंगे कि मतलब इसी ट्रिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से ये आइकॉन ओपन करना है। तो आपको कुछ इस तरह से होगा। सो दोस्तों, आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो आपका इंक्रिप्शन है, तो दोस्तों आपको इंक्रिप्शन ऑन करना है। सो दोस्तों, आप जिस पर्सन के साथ अपने चैट को सिक्योर करना चाहते हैं तो दोस्तों बस आपको ये बायर कोड को उस दूसरे फ़ोन में स्कैन कर देना होगा। जैसे ही आप इस बायर कोड को दूसरे उस फ़ोन में स्कैन कर देते हैं बस दोस्तों, लेकिन वो वाले फ़ोन में भी आपका भी प्रोफाइल इसी तरह खोल के उसमें इंक्रिप्शन ओपन करना होगा, और दोनों में यहाँ से स्कैन कोड करके दोस्तों आपको स्कैन कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको अनेबल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद एक इंस्क्रिप्शन कोड स्कैन हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूँ, यह तो जब के लिए बात है। यदि मान लीजिए आप जिस पर्सन के साथ आप अपना चैट सिक्योर रखना चाहते हैं, यदि उसका फ़ोन आपके पास है जब आप ऐसा करते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप उसी पर्सन के साथ अपना चैट सिक्योर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वही प्रोसेस करना होगा। दोस्तों, उसकी प्रोफाइल में आपको जाके यहाँ से इंक्रिप्शन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, इंक्रिप्शन करने के बाद यदि आपका फ्रेंड कहीं और दूर है और उसके साथ आप अपनी चैट को सिक्योर रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और वह शेयर करने के बाद आप वह अपने फ़ोन में भी स्कैन कर लेगा, जिससे आपका इंक्रिप्शन चालू हो जाएगा। दोस्तों, नॉर्मली यदि आप भी यहाँ पास इसे ओपन मतलब इस सेटिंग को ऑन करेंगे, इंक्रिप्शन ऑन करेंगे, तो दोस्तों सेटिंग में जाना होगा और अकाउंट में जाके आप यहाँ से भी सिक्योरिटी में जाके इंक्रिप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहले से ही मैं वहीं पास ऑन कर दिया था, इसलिए यहाँ पास नहीं शो कर रहा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको नया ही लगा होगा, ये ट्रिक आपको अभी तक नहीं पता होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने चैट को सिक्योर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा है दोस्तों, और अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह ट्रिक पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों।